देखिए यहाँ पे जो स्टेट्स की स्टार्टिंग है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है स्टेट्स। इसमें क्या क्या होता है समझते हैं जरा। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रांच। ये पूरी पूरी एक ब्रांच है। किसकी है? मैथ की एक ब्रांच है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द डेटा, विच डील्स अबाउट द डेटा, ठीक है, जो डेटा को डील करने वाली ब्रांच है। अब डेटा क्या होता है? एक नया कीवर्ड हमारे पास आया, डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज नोन एज डेटा। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलते रहिए, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे डेटा। अब इंफॉर्मेशन को हम दो तरीके से स्टैट्स में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे उसको बताते हैं। यहीं से सारी चीजों की स्टार्टिंग है। जैसे हमारे पास एक क्लास है, स्कूल में आपकी एक क्लास है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबका हम वेट मेजर कर लें। क्या मेजर कर लें? वेट, ठीक। वेट मेजर करते हैं। सपोज अगर किसी का वेट आता है 30 kg, ये सब केजी में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, केजीज में है, ठीक। 30 है, किसी का 26 है, किसी का 40 है, किसी का 41 है, किसी का 42 है, एंड डॉट 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 सो ऑन। तो हमने क्या किया? सारे वेट्स को कलेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर? यस सर। आवाज आ रही था? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इसे हम बोलेंगे डेटा, ठीक है। इस बोलेंगे, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? ये हमारा डेटा कलेक्ट हो गया। अब डेटा को समझते हैं। डेटा हमारा दो तरह का होगा। ये एक जब हम ऐसे ही बिल्कुल सिर्फ नोट कर लेते सिंपली, तो उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। ऐसा डेटा जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, ठीक है, इसमें कोई भी चीज अभी हमने नहीं की है, ठीक। तो अब ये तो हो गया डेटा पे। आगे हम जब डेटा को और समझते हैं थोड़ा सा, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे है, इसमें इस बोर्ड्स को साफ कर दूं फिर बताता हूँ आपको मैं। तो बेसिकली हमारा पॉइंट जो था वो था डेटा। डेटा डेटा दो तरह का होता है। एक होता है रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा को ही हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, अब देखो स्टैट्स के टर्म समझते चलेंगे, ठीक है। इसी रॉ डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो है ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप्ड क्या होता है भाई? अनग्रुप तो आपको पता चल गया, ठीक है। ये ग्रुप्ड क्या होगा? ठीक, जैसे हमने एक कोई डेटा कलेक्ट किया है, उसमें वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 2, 5, 5, 7, 3, है ना। 2 सपोज इट, ये हमारा डेटा है। तो ये अभी हमारा कैसा है? अनग्रुप डेटा है, ठीक है। ये डेटा में अगर हम इसकी ग्रुपिंग कर दें, ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ग्रुपिंग में जैसे हमने एक एलिमेंट लिया 2, ठीक, एक एलिमेंट 2 ले लिया। 2 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 है, 3 है, थोड़ा सा और देखते हैं। टू थ्री फोर फाइव और 7 था, ठीक है। ये है हमारा एक्स, एक्स को बोलते हैं डेटा, ठीक है। ये एक्स है। 2 हमारा कितनी बार आया? देखो ध्यान से जरा, 1, 2 और 3 टाइम्स। ये 2 हमारा 3 टाइम्स अकर हो रहा है इस पूरे डेटा में, 3 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे F3। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से पहले, इस फ्रीक्वेंसी से पहले हम एक काम और करते हैं जिसे हम बोलते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। तो टैली मार्क्स हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इसका टैली मार्क्स कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा होगा कुछ लोगों ने पहले से ही। टैली मार्क्स को फिर से करा देते हैं और उसी को बोलेंगे मार्क्स टेबल। टैली मार्क्स की टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एक्स, जो हमारे डेटा है उसमें लिखा क्या क्या है, डिफरेंट एलिमेंट लिखेंगे। 2 है,
फिर 3 है, ओके, देन 4 आया, 4 ले लिया हमने, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, बस 2 3 4 5 और 7, ये हमने डेटा ले लिया इसमें। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स नहीं सीधे लिखेंगे टैली मार्क्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 जो है, 1 2 3 टाइम्स आया, 1 2 3 ऐसे बार बना देंगे बस। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 2 टाइम्स रिपीटेशन है, 2। ठीक, 4 कितनी बार आया, 4 1 टाइम ही है। 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स है। ठीक है, सपोज दैट मैं इसी डेटा को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आगे, 7 7 7 7, एंड एक 7 और, देखो 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, चेक करते हैं जरा। एक तो यहाँ पे है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, 1 2 3 4। 4 के बाद जब 5 लिखते हैं तो 5 के लिए ऐसे इसको बंडल अप कर देते हैं, ये 5 का एक ब्लॉक हो गया 5। ठीक है, इसको बोलेंगे नहीं, 5 के बाद 6 था, अब 6 से फिर से स्टार्टिंग करेंगे, जितने भी ब्लॉक बनेंगे 5 के, 1 2 3 ऐसे लिखा, 3 4, 4 के बाद 5 ऐसे हो जाता है, फिर 6 7 8 9, देन 10, फिर 11 12, इस तरीके से ब्लॉक ब्लॉक हम 5 5 के ब्लॉक बना के आगे इसको मार्क्स को बंडल अप करते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते यस हैं, सर। इसी टैली मार्क्स के बेस पे हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप सीधे भी काउंट कर सकते हो, आसान तरीका है, लेकिन अगर आपके स्कूल में कहा जाता है कि आप टैली मार्क्स बनाइए, तो टैली मार्क्स ऐसे बना लेंगे हम। ठीक है, क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 9 में कहीं कहीं टैली मार्क्स पूछ लेते हैं। अब इस टैली मार्क्स के बेस पे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो डेटा आपको समझ आ गया, डेटा हमारा रॉ फॉर्म होता है, यानी अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा करने के लिए हम एक्स को लिख लेते हैं, डेटा लिख लेते हैं, और टैली मार्क्स उसके लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी उसके लिखने आ रही है। अगर यहाँ पे 3 है तो उसको हम 3 नोट करेंगे, 2 है तो 2 नोट करेंगे, 1 है तो 1 2, देन 6। तो ये जो आई फ्रीक्वेंसी के साथ जो डेटा है, इस डेटा को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ क्लब कर दिया, इसी को बोलते हैं हमारा ये है कैसा ग्रुप डेटा है। इस तरह के डेटा के इस फॉर्म को, जिसमें एक्स भी हो और फ्रीक्वेंसी भी हो, टैली मार्क्स से मतलब नहीं बहुत ज्यादा, ठीक, जिसमें डेटा हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप डेटा। इज दैट क्लियर। यस सर। अभी जब अगर ऊपर वाली हम बात करेंगे केवल इस वाली लाइन में, तो इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, डेटा है, ठीक, रॉ डेटा। लेकिन इसी डेटा को हमने अरेंज कर लिया है ऐसे कि 2 कितनी बार आया भाई, 3 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 4 1 टाइम आया, 5 2 बार टाइम, 7 6 टाइम आया, इतनी बार रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, ये हमारा ग्रुप डेटा हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है, नई नीचे जाएंगी, रॉ एंड अरेंज डेटा, ये आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ, टेबुलेशन आपको पढ़ा दिया है मैंने, फ्रीक्वेंसी पढ़ा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, ये अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसमें एक्स, जिसमें फ्रीक्वेंसी ना दे दी जाए। अनग्रुप मतलब क्या होगा, जिसमें ग्रुपिंग नहीं हुई, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। देखो सब रॉ फॉर्म में है ना ये डेटा है पूरा। 4 कितनी बार रिपीट हुआ, पहले हम लिखेंगे साइज, यहाँ पे क्या है, साइज है, फिर टैली मार्क्स है, फिर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, साइज कितना है, सबसे मिनिमम लेके चलते 3 है, सबसे पहले 3 लिख लिया, देन 4, देन 5, देन 6। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 4 टाइम्स रिपीटेड होगा, इसमें चेक करो, देखो एक यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4, ये 4 है ना, 3 के ब्लॉक्स, तो हमारे इसके हमने कितना बनाया टैली मार्क्स में, 4, देन इसी तरह 4 ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखती है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यही टेबल हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल। जब भी आपसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, तो आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं। चलिए अब आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अभी जो हम हमने आपको पढ़ाया, थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं ताकि आप भूल ना जाए। देखिए, तो सबसे पहले हमने कहा था, एक मिनट, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि डेटा होता है, ठीक है, डेटा
डेटा हमारा दो टाइप का होगा, रॉ डेटा और ग्रुप डेटा। एक मिनट रुकिए कुछ। हाँ सही है, रॉ डेटा हो गया और ये ग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा का ही बाद में एक पार्ट और है, रॉ में कोई पार्ट नहीं है लेकिन ग्रुप डेटा में ही एक पार्ट और है। ग्रुप में जिसमें क्या होगा, जिसमें एक्स और एफ दोनों होते हो, इसमें एक्स भी होगा और एफ भी होगा, एक्स और एफ, इसमें सिर्फ एक्स होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी एक्स और एफ यानी ग्रुप डेटा का ही एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल फॉर्म, ठीक है, वो पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उसको ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए, इसको ध्यान से देखिए। गिवन बिलो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 32 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, एक कोई है उसमें 32 स्टूडेंट है किसी क्लास में, उन्होंने एग्जाम दिया है, उनके ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं, किसी एक स्टूडेंट को मिला 29, देन 23, देन 30, इस तरह सबके अलग अलग मार्क्स मिले हुए हैं। यहाँ पे कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टेकिंग क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20, सो ऑन डॉट 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 31 to 40, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में इस डेटा को अरेंज करके देना है क्वेश्चन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसा है, क्वेश्चन में कहा गया है 1 to 10, देन 11 to 20, ठीक है, इसको समझते हैं 1 to 10। तो हमने क्या किया, मार्क्स लिखा, एक कॉलम बना मार्क्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स में लिखते हैं, इस बार हम एक्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे इंटरवल, इस मार्क्स की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड हुआ क्लास इंटरवल, आप लिखिए क्लास इंटरवल, ठीक है, ये मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा क्लास इंटरवल, ये 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड 31 to 40, ये हमने क्लास इंटरवल बनाए। अब हम ये देखेंगे कि इस 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 1 से लेकर 10 के बीच में हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे नंबर जो 1 to 10 के बीच में आते हैं, चलिए इसको इसको काउंट करते हैं अब, ठीक है। देखिए एक ये आता है 7, 9, और कौन सा आएगा, 1 आएगा ऊपर वाले लाइन में, 1, 10 तक लेना सिर्फ, 1 to 10, ठीक है, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, ये भी है, ये भी है, बस काउंट करिए कितने ग्रीन टिक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, चलिए। तो यहाँ पे देखो 6 हमने मार्क्स बनाया है, ये 5 का बंडल एंड देन 1, 6, और फ्रीक्वेंसीज की लिख दी हमने 6। फिर ऐसे नंबर जो 11 से लेकर 20 के बीच में आएंगे उसको काउंट करेंगे ऐसे, 11 से 20 वाले, ठीक है, 11 से 20, तो एक ये 11, ये दूसरा, काउंट करिए कितने ब्लू सर्कल हमने बनाए हैं, 1, 2, 3, 8 4, 5, 6, 7, 8, 8 है ना, तो 8 को अब देखो हमने 8 ऐसे बनाया, 5 ये का ये ब्लॉक है और ये 3 का ब्लॉक है, क्लियर, तो 5 + 3 मिलके 8 हो गए, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे अब क्लास इंटरवल फॉर्म में, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नहीं लास्ट में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएंगी इनको टोटल कर लेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिवन बिलो द आर द मार्क्स ऑफ ऑब्टेंड बाय 24 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, ये दिया है, इसमें क्लास इंटरवल 10 to 20 एंड 20 to 30, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने पढ़ा था 1 to 10, मेरा पेन बदल लूँ, एक मिनट वेट करिए, हमने इससे पहले पढ़ा था 1 to 10 और दूसरा था 11 to 20, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 1 to 10 था और फिर 11 से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्टिंग नहीं हुई, लेकिन अब जो नया टाइप का क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे कहा गया है आप 10 से 20 लीजिए और फिर यही 20 20 सेम हो गए, 20 से ही स्टार्टिंग करिए, मतलब कुछ ऐसा 10 to 20 एंड देन 20 to 30, तो ये दो तरह के डेटा टाइप हो गए, ये दो तरह के डेटा टाइप हैं, इनको अलग अलग नाम से कहते हैं, अभी बताने जा रहे हैं आपको, वेट करिए, बोर्ड क्लीन कर दें फिर आपको बताते हैं। ये जो फॉर्म आया जिसमें हमारा 10 और इसमें नहीं आता है, स्टार्टिंग नहीं होती है, 20 की स्टार्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, भूलना नहीं वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास कहीं डेटा है, जैसे इसमें वन है, टू है, इससे डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे डेटा, उसमें टेन भी आता है, तो वन को भी काउंट करेंगे और टेन को भी काउंट कर लेंगे, दोनों को, ठीक, इस फॉर्म में, किसी वाले इंटरवल में। जैसे अभी हमने बताया क्या, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ कहीं टेन होता, ध्यान से देखो इसमें कहीं टेन है, ग्रीन वाले में टेन नहीं है, सपोज दैट यहाँ टेन भी होता, लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन टेन होता, तो टेन को भी हम काउंट कर लेते तो कितने हो जाते हमारे पास, ग्रीन वाले, ग्रीन से काउंट किया था ना, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं, वन, ये वन हो जाता, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर सेवन इसकी फ्रीक्वेंसी होती, पहले वाले क्लास इंटरवल में यहाँ सिक्स की जगह सेवन आ जाता, ठीक, अगर यहाँ पे टेन होता तो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अब जो नया केस आया है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस फॉर्म को जब एक एंड हो और वही अगली क्लास में शुरू हो जाए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे टेन है, यहाँ पे इलेवन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म, क्या बोलते हैं, इसे इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं डेटा का। और अब ऐसे केसेस में हम इसे बोलेंगे क्या, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं, इसको भूलना नहीं, ठीक, एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म का डेटा है हमारा, ठीक। इस एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या करेंगे, अगर डेटा में कहीं 20 आ जाएगा तो 20 को हम पहले वाले इंटरवल में नहीं काउंट करते, ठीक, इसे एक्सक्लूड कर देते बेसिकली। चलो देखते हैं कैसे, हमें पहले 10 से लेकर 20 तक इसमें चेक करना है, इसमें हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, 10 से 20 तक कितने हैं, पहली लाइन में 10 से 20 तक, एक ये है देखो मिला जो 10 से 20 के बीच में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 10 to 20 लेना है, 10 to 20 इसमें नहीं है, और कोई नहीं है, सही, क्लियर है ना। सपोज दैट यहाँ पे एक एक नंबर होता 20, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो 20 को आप क्या काउंट करते हैं, नहीं काउंट करते यहाँ, ठीक, जो इसकी अपर लिमिट होती है, देखिए यहाँ जो 10 और 20 लिखा है, इसमें इस वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, ठीक, और इस वाले को पार्ट को बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं हो तो अपर लिमिट वाले इस वैल्यू को हम नहीं काउंट, इसको नहीं गिनेंगे, तब भी ये 4 ही रहेगा, फिर इस 20 को हम क्या करेंगे, 20 को नेक्स्ट वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में काउंट करेंगे, वो यहाँ काउंट होगा, यहाँ काउंट नहीं होगा, बात समझ आ रही है यस सर अनुषा सर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ठीक है, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म भी हमको समझ आ गया अभी, चलिए ये एक्सक्लूसिव हो गया। एक्सक्लूसिव में हम काउंटिंग करेंगे 10 से लेकर 20 तक, 4 है हमने बना लिया, सेम वैसे ही फिर यहाँ पे 20 to 30 काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे, बस 30 को एक्सक्लूड कर देंगे, 30 को यहाँ पे काउंट करेंगे इस वाले इंटरवल के लिए, ठीक है, इसमें 30 आएगा तो काउंट नहीं करेंगे, इसमें सिमिलरली 40 को काउंट नहीं करेंगे, 40 को यहाँ काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया, बिल्कुल सेम वैसे था, बाकी कोई चेंज नहीं था इसमें। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, जैसा अभी मैंने आपको बता दिया पहले। चलिए ये पहली एक्सरसाइज है हमारी, ये सारी हो जाएंगी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5, फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट्स कॉमा अपर क्लास लिमिट्स एंड द मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस, ठीक है, तो सबसे पहले समझिए एक्चुअल क्लास लिमिट क्या होगा, अपर क्लास लिमिट जानते हैं एंड द मिड वैल्यूज ऑफ द क्लासेस, जैसे 10 to 19 है, 10 to 19, तो 10 to 19 में क्या हुआ बता सकते हैं आप, एक्चुअल क्लास लिमिट क्या होगा, कोई बता सकता है, जय कौन बता सकता है इसको, जल्दी से बताइए, सो क्या बताना है? हाँ आपको बताना है एक्चुअल क्लास लिमिट क्या होता है, एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ये क्वेश्चन 5 को समझिए ध्यान से, कुछ डिफरेंट है इसमें, ठीक है,
सिर्फ एक वर्ड लगा दिया एक्चुअल, इससे आप घबरा गए, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट बताइए क्या है इसमें, 10 है, ठीक है, 20 है, 30 है एंड 40 है। ये क्या है हमारा लोअर क्लास लिमिट, एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या ऐसा नहीं। होगा, क्या ऐसा होगा? अब इसका आंसर आप चेक करिए, अभी आपको लगेगा कुछ, जल्दी इसका आंसर चेक करिए। हाँ सर, यही है। ठीक है, मिल गया। यस सर। अब आते हैं अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट क्या होगा, 19, 29, 39 एंड 49। क्लियर हो गया, चेक यस कर सर। लीजिए। हाँ अब आता है इसका मिड वैल्यू निकालना, डेटा का मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी डेटा का मिड वैल्यू निकालने के लिए तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, लोअर इसको लिमिट बोलते हैं, प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड हाँ बाय 2। हाँ यही होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक, इसको लिखते कैसे, इसको कॉपी में कैसे करेंगे वो देखिए। इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, जो मिड वैल्यू है उसे हम बोलते हैं क्लास मार्क या मिड वैल्यू, दोनों कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, है ना, माइनस, नहीं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। जैसे 10 और 19 है यहाँ पे, तो 10 प्लस 19 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, 29/2। 29/2 कितना होगा बेटा, 14.5। ये आ गई पहली मिड वैल्यू, ठीक है। इसी तरह इस वाले क्लास की आप मिड वैल्यू जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे ये वाले सेकंड क्लास की बताइए अनुषा। ठीक है, ठीक है, तो कर लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे की दोनों पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। फाइंड द एक्चुअल लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स एंड आल्सो द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। ये भी कर लेंगे आप, इसको करके रखिएगा, ठीक है। थोड़ा आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास, ठीक है, जो फोर्थ क्लास हो। पहले तो फोर्थ क्लास बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताओ अनुषा बेटा, फोर्थ क्लास कौन सा होगा बेटा। 45। यस, ये वाला होगा हमारा फोर्थ क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास के बारे में बताना क्या है, एक्चुअल क्लास लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास, एक्चुअल क्लास लिमिट 45 एंड 49, दिस इज द लोअर, दिस इज द अपर, ठीक है। ए हो गया, बी देखते हैं, द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द सिक्स क्लास। बाउंड्रीज भी नहीं कहते हैं इन्हीं, लोअर इन्हीं अपर लिमिट लोअर लिमिट को बोलते हैं बाउंड्रीज। सिक्स क्लास की, सिक्स क्लास की बाउंड्रीज 55 एंड 59। सी वाला देखते हैं, द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास का क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बेटा, मिड वैल्यू। क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू। जो थर्ड क्लास पे, थर्ड क्लास ये है, इसका मिड वैल्यू बताइए जल्दी से। देखो मिड वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला मेथड भी एक आसान तरीका भी है। जैसे 40 से लेकर के 44 तक दिया गया, तो उसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। 40 हो गया, ठीक है, अब 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा, ठीक, ऐसे। तो ये 42 बीच में बिल्कुल पड़ेगा ना, हाँ तो यही 42 हो जाएगा हमारा क्लास मार्क। क्लियर, यस सर। फिर से बता दें इसको। देखिए डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, कि बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बस काउंट कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, अगर वैल्यू छोटी है तो, है ना। अगर ये 40 था और दूसरा था 44, तो उसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 41 आएगा, 42 आएगा और 43 आएगा। अब देखो 42 ही है मिडिल वैल्यू, दो इधर चले गए, दो इधर चले गए, तो ये मिड वैल्यू आ गई 42। ऐसे ही काउंट करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि इसका मिड वैल्यू क्या होगा, 42 होगा, सही है। चलिए बेटा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, नहीं। ठीक। तो ये हमारी हो गई, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, डी वाला, सी वाला हो गया ना। अब डी वाला देखते हैं जरा, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास, द क्लास साइज ऑफ द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास का क्लास साइज बताओ, क्लास साइज अलग होता है।
द साइज ऑफ द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास ये है साइज। साइज जब निकालते हैं तो साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस। यानी कि 44 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, 44 में से 40 को माइनस करेंगे 4 आएगा, तो 4 क्या हो गया, क्लास साइज हो गया। क्लियर, Yes. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। अब आता है कंस्ट्रक्ट अ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नया वर्ड आ गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये जो कुछ है सही है बिल्कुल, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके आगे हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, इसके आगे लिखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही वर्ड पूरा पूरा कॉपी कर देंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो 9 है, स्टार्टिंग इसकी 9 से ही होगी, फिर 9 में 13 को ऐड कर देंगे। जरा 13 प्लस 9 कितना होगा बेटा, जल्दी से बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, 22 प्लस ट्वेंटी 2 होगा। ठीक है, टू, ठीक। अब 22 और 12 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22 और 12 को ऐड करके बताइए कितना आएगा, 34 34। फिर 34 और 7 को ऐड करके यहाँ लिख देंगे हम, 34 प्लस 7 कितना41 होगा, हाँ तो 41, 41 41 प्लस 15 करके यहाँ लिख देंगे ऐसे बेटा, क्या होगा, 56 ठीक है। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई, इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा, रिपीट करिए मेरे साथ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, फिर से बता दे एक बार। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, ओके, तो यही सब में करना था। दूसरे में भी यही करना था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। 9th वाले में देखते हैं क्या, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेम। अब देखो यहाँ पे उल्टा काम करना है, यहाँ पे आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवेन है एंड यू हैव टू फाइंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यानी एफ, इससे पहले वाली। चलो मुझे कौन बताया गया, कोई बता सकता है? सो फर्स्ट वाले की तो 80 होगी, सेकंड वाले की 19 माइनस 8। यस, 19 माइनस 8, इनको माइनस करते चलेंगे ना, 19 में से 8 माइनस करो कितना होगा, 11, फिर कितना आएगा, सपोर्ट, अब 23 और 11 को माइनस करके लिखेंगे, है ना, यस सर। तो 4 कैसे आएगा ट्वेंटी बेटा, थ्री से फोर सर, 23 से 19 माइनस करेंगे ना। हाँ 23 में से आप 19 माइनस करोगे, ठीक है, 23 से 19 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। फोर फिर 23 से 30 से 23 माइनस सेवन करेंगे 7। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं चलिए फ्रीक्वेंसी हो गई हमारा, आगे देखते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप सारे कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं करना, अब आप होमवर्क करिए इसे, ठीक, बहुत सारी चीज़ें आप होमवर्क में कर लेंगे, कर पाओगे बेटा, यस सर। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपके लिए कुछ, ठीक है। सो व्हाट इज एडजस्टमेंट फैक्टर? हाँ अभी आ रहे हैं उस पे, अभी आ रहे हैं, आगे क्वेश्चन है उसी में पढ़ाना है मुझे। देखो यहाँ पे लेस देन है, बिलो वाला, ये दो अलग अलग केसेस आ गए क्वेश्चन में, और इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर का भी, तो कौन पूछे बेटा, नाम बताओ अपना, दिव्यांशी देवेंशी, ठीक है बेटा बताते हैं, ठीक है, वो अभी इसमें इस एक्सरसाइज में नहीं कवर किया गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चलिए थोड़ा बैक जाइए। ये जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होता था,
ठीक, यहां तक तो कोई बात नहीं थी। इस एक्सक्लूसिव फॉर्म का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या नाम है बेटा? बहुत ध्यान कंटिन्यूस। समझिए, कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस फॉर्म इसलिए इसलिए बोलते हैं कि 20 पे खत्म हो रहा है और 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है ये। 30 पे खत्म हुआ, 30 से फिर अगली क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म है। 40 पे खत्म और 40 पे नया स्टार्ट होगा, इसलिए कंटिन्यूअस फॉर्म है। सही है, कंटिन्यूअस क्यों? और इससे पहले वाले को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि ये वाली जो फॉर्म है इंक्लूसिव वाली, इसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म आ रही है? ये हमारी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, इसका दूसरा नाम डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ 10 नहीं है, 11 से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। और अब यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज होगा। ठीक है, थोड़ा समझिए। ये जो डेटा हमारा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना है हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, क्या करना है? कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, यानी इसी डेटा को जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में था, इसको हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, उसको देखिएगा। इन दैट केस सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना। ठीक है, क्या निकालेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे दो लिमिट, दो क्लास है, पहली क्लास ले लेंगे और दूसरी क्लास, इन दो क्लासेस को मिला के निकालेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, यहाँ पे ब्रैकेट में अपर लिमिट के साथ लगेगा, अपर लिमिट ऑफ प्रिसीडिंग क्लास। प्रिसीडिंग क्लास मतलब क्या है? इससे पहली वाली जो क्लास है उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस कम, फिर से लिखता है यहाँ पे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रिसीडिंग क्लास। प्रिसीडिंग क्लास, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जिस पे टैब पे लिखते हैं बहुत अच्छी राइटिंग उस पे नहीं बन पाती है। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो गया अपॉन 2। इस पूरे को बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, इसको निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसी इसी क्वेश्चन के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास, किसी क्लास की आप लोअर लिमिट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप 1 ले लेंगे तो इससे पहले कोई क्लास नहीं, इसलिए ये 1 वाला इनवैलिड हो जाएगा। आप लेंगे 11, लोअर लिमिट हमने 11 ले लिया, क्यों? इससे पहले वाली क्लास का अपर लिमिट, इससे पहले वाली क्लास मतलब ये वाली क्लास, इस क्लास की अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 10 अपॉन 2, ये आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया 0.5। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये ध्यान समझ लेना इसको। ठीक है, अभी बताते हैं इसके आगे क्या करना है। देखिए, तो हमने इसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया। जैसे ही एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे, हमारी वर्किंग क्या होगी? हमारी वर्किंग ये तो एडजस्टमेंट फैक्टर हम निकालने के बाद करेंगे। इस एडजस्टमेंट फैक्टर को जो भी वैल्यू आई है, इसको हम लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे। ठीक, इसको लोअर लिमिट यानी 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.5। इस पहले वाले क्लास की बात कर रहे हैं, इसको हमने 1 से माइनस किया। ठीक, दूसरा था अपर लिमिट, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक, क्या क्या करते हैं? लोअर लिमिट से माइनस करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं, यही प्रोसेस थ्रू आउट द सीरीज चलेगा। ठीक, 11 हमारी लोअर लिमिट है, उसमें से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ऐसा करके दिखाना नहीं होता कॉपी पे, कॉपी पे क्या आएगा? 1 में से माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा? 0.5 आएगा, 0.5। क्लियर? डैश 10 में जोड़ेंगे क्या आएगा? 10.5। ये तो आप सिर्फ आपको ने समझाने के लिए ऐसा बताया। ठीक है, इस प्रोसेस में फिर 11 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10.5। 20 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20.5। ध्यान से देखो, फिर इसी तरीके से 21 वाले में क्या होगा? ये हो जाएगा 20.5,
30 ऐड करेंगे तो 30.5 हो जाएगा। ध्यान से देखो, यही जो जो डेटा का फॉर्म था ये वाला, ये अब ये हो गया, क्या ये कंटिन्यूअस नहीं हो गया? ध्यान से देखो बेटा, जल्दी से मुझे आंसर दो यस सर, दिव्यांशी। यस सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखिए, फॉर्मूला समझ आ गया? सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक। अपर लिमिट माइनस, सॉरी, ये लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास, इसको ध्यान रखना है। अपर लिमिट किसकी? पहले वाले, यानी इस क्लास जिसकी लोअर लिमिट ले रहे हैं उससे ठीक ऊपर वाले क्लास की जो भी अपर लिमिट होगी वो लेंगे आप, ठीक। दोनों को माइनस करने के बाद टू से डिवाइड कर देंगे, एक नंबर टू से डिवाइड कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने लिया 11 ले लिया, और यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक। प्रिसीडिंग क्लास की अपर लिमिट 10 है और ये 10, 11, 11 में से 10 को माइनस कर दिया, 11 माइनस 10 आंसर आता है 1, ठीक। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 0.5, ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, सही है। यस सर, इस एडजस्टमेंट फैक्टर को जो ये क्लास है हमारा 1, 1 से माइनस 10 में ऐड, जितनी भी ये लोअर लिमिट है इन सब में माइनस करेंगे, और जो अपर लिमिट है इन सब में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस कर देंगे, ठीक। और जो भी आएगा उसको हम नोट कर लेंगे, हमने ये नोट कर लिया। अब जैसे ही नोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो, देखो ध्यान से, ये एंड और ये स्टार्ट हमेशा बराबर आने लगेंगे, इसका एंड और इसका स्टार्ट बराबर आ गया, ठीक हो गया बेटा। यस सर, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ये पहला कैसा था, ये डेटा टाइप था इंक्लूसिव, ये कैसा बन गया एक्सक्लूसिव, ठीक। ये कैसा था, इसका दूसरा नाम था डिसकंटिन्यूअस, इसका फॉर्म था क्या कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लिया, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना लिया। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आगे बताएं। यस सर, एडजस्टमेंट फैक्टर का सिर्फ रोल इतना ही था, उसको माइनस करने के लिए वैल्यू निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। चलिए, यहां पे नई चीज आती, देखो जैसे ये कभी लिखा हो कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे मार्क्स आपकी ऐसे दिए गए लेस देन टाइप में, नीचे वाले क्वेश्चन देखो बिलो टाइप के दे दिए गए, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे जय, आप बताओ बेटा। बताएं कोई, दिव्यांशी आप बता सकती हो? सर लेस देन 20 का मतलब है 1 से 10 तक, फिर नेक्स्ट नहीं लेस देन। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, समझाते हैं ये क्या कहानी है। सर शायद से 1 से 10 लेकर पहले का लेस देन 10। बताता हूँ, सब बताता हूँ, डोंट वरी। इस लेस देन 10 का मतलब होता है 0 से 10, इस लेस देन 20 का मतलब होता है 0 से 20, इस लेस देन 30 का मतलब 0 से 30, ठीक। लेस देन 40 का मतलब क्या लेंगे, 0 to 40, ये 0 भी हो सकता है या ये 1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर 0 ही रहता है, ठीक है। 99.9% केसेस में ये वैल्यू 0 ही ली जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इससे में क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये तो हमने ऐसे लिख लिया भाई, ठीक है, ये 6 था और ये 15 था। लेस देन के साथ जब भी ये फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो ये अंडरस्टूड होगा दिस इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कैसी फ्रीक्वेंसी है,
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ साफ साफ लिख लेंगे दिस इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर। और अब हम क्या करेंगे, अब इस टाइप को हम ऐसे थोड़ा चेंज करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, तो समझाने के लिए आपको मैंने बताया था, इसको हम चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, लेस देन टाइप को नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लिखेंगे, 0 to 10, ओके, फिर क्या लिखेंगे, 10 to 20, देन 20 to 30, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और अब 0 to 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है, लेकिन 10 to 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 6 नहीं है, 15 नहीं है, 15 में से 6 को माइनस करके लिखेंगे, इसको आपस में माइनस करने के बाद यहाँ लिखेंगे कितना आएगा, क्योंकि ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, है ना। बताइए कितना आएगा, 15 माइनस 6, जल्दी से बताइए, 9 आएगा, ठीक है बेटा, तो इसको हम 9 कर लेंगे। फिर कितना आएगा ऐसे बताइए, 30 में से 15 माइनस कर दें, 15 जाएगा, है ना। इसी तरीके से डॉट डॉट, फिर 30 से 40 होगा ये, इसका आंसर देखो कितना आ रहा बेटा, जब चेक करना इसका आंसर दिया गया है क्या, यस सर दिए गए हैं, बताइए इसका आंसर, इसका 9, किसका 9, 30 से 49, नहीं नहीं ये नहीं पूछा था मैं, ये आंसर साइज सारे मैच कर रहे हैं, 6 9 15 मैच हाँ कर रहे सर, हैं, हाँ सर, ऐसे ही लिखा है ना, ध्यान से देख लो, हाँ ऐसे ही ठीक, लिखा है, तो इसके आगे कब आप कर लेंगे ना अपने आप सारा। यस चलिए सर, अब बिलो वाले में भी यही है, बिलो फोर जो है बिल्कुल लेस देन टाइप है, सिर्फ लेस देन की जगह पे क्या लिख दिया गया इस बार आपसे, आपको लिख दिया गया बिलो, लेस देन वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया बिलो वर्ड से। चलिए मुझे करके दिखाइए अला अपने आप, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहला आंसर बता दीजिए, दो तीन आंसर बताइए स्टार्टिंग में, बस 0 to 4 जीरो फ्रीक्वेंसी, 4 to 7 85 माइनस 0 85 फ्रीक्वेंसी, है ना, 7 to 10, 7 to 10 लेंगे ना बेटा, 55, हाँ 55। अब आंसर चेक कर लो, सही आप चेक कर लीजिएगा सही है। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एज ग्रुप 10 to 13, 10 to 13 वाला ब्लॉक देखिए, इसके आगे हम एक और टेबल बनाते हैं, वो आएगा 10 to 13 ही आएगा, उसमें कितना आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसको इसको माइनस कर दीजिए, 103, ठीक है। तो 10 to 13 वाले रेंज में इस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 103 स्टूडेंट्स हैं, आंसर चेक करो जरा इसका फर्स्ट वाले का जल्दी से। हाँ सर सही है, चलिए ठीक, स्टेट द एज ग्रुप विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे कम स्टूडेंट हो, कौन सा एज ग्रुप है 0 to 4, इसमें सबसे लीस्ट है 0, सर 7 to 10 दिया है, 7 to 10, अच्छा 0 को इसने इसने 0, देखो इसने इन्होंने एक चीज पूछा है, स्टेट द एज ग्रुप विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 को नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मान रहे, 0 सबसे छोटी नंबर है मान लिया, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सबसे कम है वो किस में है, इसी ब्लॉक में है, इसमें सॉरी 55 वाले में, है ना, जब आप बनाएंगे ना तो सबसे कम आएगा 7 to 10 वाले में ही, 55, यस सर, चलिए 0 नहीं लेंगे, 0 क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से सारे आपको करने हैं, ठीक, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला वर्ड आता है हिस्टोग्राम, आपको क्या पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। नहीं देखिए हिस्टोग्राम में क्या है, क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, क्लास इंटरवल वाले यानी इस वाले को, अच्छा एक बात आपको बता दें, फ्रीक्वेंसी को जब भी कभी ग्राफ पे बनाते हैं तो हमेशा वाई एक्सिस पे बनाते हैं, इसको याद रखना, फ्रीक्वेंसी किस पे बनाएंगे, वाई एक्सिस पे, अगर ये वाई एक्सिस पे बनेगा तो ये किस पे बनेगा, एक्स, ये एक्स पे बनेगा और ये वाई पे बनेगा। चलिए हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक, ग्राफ में देखो 0 से 10, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे फोकस करो, 0 to 10, 10 to 20 ले लिया, 20 to 30 ले लिया, 30 to 40 ले लिया, 40 to 50, ये सारे हमने इंटरवल को एक्स एक्सिस पे बना लिया, सही,
जीरो टू टेन पे फ्रीक्वेंसी है 7, 0 to 10 यानी ये वाला पहला वाला, इस पर फ्रीक्वेंसी कितनी 7, 7 हमने ये देखो 7 है, 6 और 8 के बीच में जो पॉइंट होगा वो 7 होगा, 7 पे लाइन ऐसे बना ली और ऐसे इसको एक पिलर बना लिया, इसी से बगल में एक और बनाया, ये एक पिलर के बगल में दूसरा पिलर, फिर इस तरह तीसरा, फिर ऐसे सारे सारे हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनकी हाइट को मेजर कर लिया। 10 to 20 वाले की हाइट कितनी है, 10 to 12 है, देखो 12 के सामने बनाया ना ये, ठीक। 20 30 वाला 15 है, 15 14 और 16 के बीच में आएगा इसलिए यहाँ तक बना लिया, ठीक है। ग्राफ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ग्राफ कॉपी को पहले ऐसे बना लीजिएगा, उस पर नंबरिंग कर लीजिएगा, 0 है, 1 2, तो 1 2 की जगह आप लिखेंगे 10 20 30 इस तरीके, ठीक है। यहाँ पे 1 2 कर लीजिएगा, ठीक है, या 2 स्केल ले लीजिएगा 2 4 का जो भी हो, ठीक। और ऐसे ही आपको हिस्टोग्राम बनाना है, क्या हिस्टोग्राम अब आप बना पाएंगे, यस सर, आगे बताएं। यस सर, इस वाले हिस्टोग्राम को भी आप बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ वाले हिस्टोग्राम को आप नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या कंडीशन होती है कि हिस्टोग्राम में अगर यहाँ पे खत्म हो रहा, देखो ये 0 to 10 में खत्म हो रहा था और दूसरा 10 से स्टार्ट ही हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले वाले जिसको भी मैंने पढ़ाया है, एक बोर्ड क्लियर कर लेना, यहाँ पे 10 एंड है और यहाँ 10 स्टार्ट है, मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म का डेटा है, आपने बना लिया ग्राफ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 11 है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो पहले डिसकंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, इस डेटा को, ये जो एक्स है क्लास इंटरवल, इस फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। वही सेम वैसे एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला हमने और लोअर लिमिट से माइनस अपर लिमिट में ऐड, और वो देखो कुछ ऐसा आ गया, समझ आ रहा बेटा। हिस्सा ये वाला वापस समझा दीजिए। फिर से बता देते हैं, ध्यान से आपने देखा नहीं था जब मैं एडजस्टमेंट फैक्टर पढ़ा रहा था, आपका कंसंट्रेशन कहीं और था इसका मतलब। फिर से अरे देखिए, नहीं 1 to 10 है और यहाँ पे 11 to 20 है और 21 to 31, 21 to 30, यानी कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो जैसे कि ऐसे समझिए, अगर हम ग्राफ लेते हैं इसी अगर बना के देखें तो कैसे होगा, 0 to 10 हो गया, माई मान लिया ये 20 हो गया, तो अगला तो 11 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 1 to 10 तो हमने बना लिया एक ब्लॉक मान लिया कहीं पे भी, फिर 10 से नहीं, फिर वो 11 से स्टार्ट, 11 मतलब कुछ अलग से ऐसे बनेगा ना, फिर वो इन दोनों के बीच में गैप रह जाएगा, ये गैप, और ये गैप नहीं होना चाहिए हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम में ग्राफ गैप नहीं हो सकता, ये गैप होता है बार ग्राफ में, अगर ये बार ग्राफ होता तब तो ठीक था, बन सकता था, लेकिन ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम में ऐसा गैप अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेटा को जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का है उसे हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट, उसको देखिए फिर से, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक, क्या निकालेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं बेटा, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे, निकालना आता है, नहीं आता हमसे पूछिए हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए एडजस्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं, सर आता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस करके फिर 2 से सिंपल है, डिवाइड। तो लोअर लिमिट हमने 11 ले ली और ये 11 से 10 को माइनस कर दिया और पॉइंट डिवाइड कर दिया 2 से, 11 सॉरी ये 11 है, 11 माइनस 10 अपॉन 2, दैट इज 0.5 आ गया, इस 0.5 को बारी बारी से सबसे माइनस करते जाएंगे लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, ठीक। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 1 है, 1 से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5, 10 में जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10.5, सिमिलरली 11 और 20 पे 11 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, 20 में ऐड करेंगे तो 20.5, इसी तरीके से 21 वाले में 21 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20.5, देन 30.5,
ठीक, तो यही इन्होंने बुक में देखो करके दिखाया है। यस सर। वेट करिए, ठीक है ये देखो बुक में ये करके दिखा दिया गया आपको, ये सब ऐसे आ गए। ठीक, फ्रीक्वेंसी उनकी लिखी हुई है सामने, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक, अब इसका आप आराम से बना सकते हैं, देखो बना लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे 0.5 से 10.5 तक। अब यहाँ पे देखो एक जिगजैग लाइन बनाई गई है, जरा इसको समझिए। ये जो पहला वाला ब्लॉक था ये 0 to 0.5 था। ठीक, हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग है 0.5 to 10.5, डेटा का जो पहला इंटरवल है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्टिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो जब जीरो के अलावा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 to 11 होता, ऐसे मान लेते हैं, ठीक, 1000 होता, कुछ भी होता, कुछ भी होता ऐसे। ठीक, मतलब अदर देन जीरो अगर कोई चीज यहाँ पे आ रही है लोअर, जहाँ पे हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक पूरा पूरा छोड़ देंगे, जो ये ब्लॉक हमने बनाए हैं उसमें एक ब्लॉक छोड़ देंगे, और उस पूरे ब्लॉक को जिगजैग कर देंगे ऐसे। इसको बोलते हैं जिगजैग करना। ठीक है, जिगजैग करने का मतलब क्या है कि ये जो स्केल हमने यहाँ पे लिया है, जितना भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है। ठीक, हो सकता है ये डिस्टेंस 1000 हो या 1 mm हो, ठीक, लेकिन ये डिस्टेंस अगर हमने कहा 1 cm है, तो यहाँ भी ये 1 cm ही है, यहाँ भी 1 cm है, यहाँ भी 1 cm, मतलब ये सब तो बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है ये वाला ब्लॉक, इसीलिए इसको जिगजैग कर दिया है। जिगजैग का करने का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली होता क्या है, इसको हम मानते हैं ये एक लाइन है, सीधी लाइन। ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये इधर जीरो कहीं है, इस बहुत से बड़ी डिस्टेंस को हमने इस पूरे लाइन को श्रिंक कर दिया है, इसको इधर श्रिंक किया है। जब श्रिंक करेंगे तो ये लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगी अपने आप, जब इसे प्रेस करेंगे तो इधर श्रिंक हो जाती है, तो श्रिंकिंग लाइन इसे भी कहते हैं। ठीक है, जिगजैग कर देते तो पता चलता है ये अलग है और ये सब चीजें नॉर्मल है। सही, यस सर। ये कब करेंगे, जब हमारा स्टार्टिंग जीरो से ना हो। ठीक है, जब जीरो से स्टार्टिंग होगी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अगर हमने हिस्टोग्राम बना लिया है, तो हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये डेटा दे दिया गया था, देखो ये 30 है और ये 30 है, यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये सीधा सीधा बन जाएगा हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले इससे हमने एक हिस्टोग्राम बना लिया, ये हिस्टोग्राम हमारा आ गया। इस हिस्टोग्राम में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग हमारी 25 से हो रही है, जीरो से नहीं है, हमारा डेटा 25 से स्टार्ट है। ठीक, जब कभी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होगा, तब एक हमें एक केयरफुल स्टेप रखना होगा पहले से ही, बताता हूँ क्या। ये 25 से स्टार्टिंग है, तो जीरो तो नहीं ले सकते, तो हमने कहा था एक ब्लॉक आप छोड़ के जिगजैग कर दीजिएगा, देखो इन्होंने जिगजैग कर दिया सर। सही, एक ब्लॉक को जिगजैग कर दिया, लेकिन एक ब्लॉक अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है, अगर केवल हिस्टोग्राम बनाना होता नो प्रॉब्लम, बन जाता, लेकिन अगर हमें साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक ब्लॉक हमें और छोड़ना पड़ेगा पहले। 25 से डेटा स्टार्ट हमारा, 25 से 30, ये पहला ब्लॉक हो गया हमारा, फिर दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, इससे ठीक पहले, इस वाले पहले वाले पिलर से और लास्ट वाले पिलर के, इसके पहले एक हमने छोड़ दिया स्पेस, देखो पूरा पूरा छोड़ दिया, और उसके बाद भी एक स्पेस हमने बढ़ा लिया। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी हमने पिलर्स बनाए हैं, सारे पिलर्स का मिड पॉइंट, जो भी मिड पॉइंट होगा ग्राफ पे, उन सबको ऐसे मार्क करेंगे मिड पॉइंट। इससे पहले वाला पिलर जो है ही नहीं एक्चुअली, लेकिन हमने जगह छोड़ी थी, इसलिए यहाँ पे मार्क करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे मार्क करेंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे स्केल से। बस ये जो भी बनेगा ये बोलेंगे हम इसे दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
ओके सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं अब अगर हम इसका हिस्टोग्राम का यूज ना करें, अगर हम इस हिस्टोग्राम को ना बनाएं और डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहें तो उसका भी एक तरीका है, टाइप टू। विदाउट यूजिंग एन हिस्टोग्राम वी हैव टू मेक एन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें? इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का मैं आपको तरीका पहले बता चुका है, फॉर्मूला आपको नोट कराया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। अब जैसे ये था, हाँ यस सर, मिड पॉइंट मिड वैल्यू, ठीक है, वैसे ही क्लास मार्क बोलते हैं। जैसे 10 10 टू 20, इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? 15 होगा। 20 30 में क्या मिड आएगा? 25 आएगा, सही है ना? यस सर, तो हमने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल ली। आपने कुछ बेटा क्वेश्चन मिस कर दिए, पेजेस मिस किए शायद। 231 है पेज इसके पहले। मिसिंग पेजेस हैं बेटा, 231 के बाद। ऐसा मत किया करो बेटा, ठीक है? मैंने बोला था एक एक पेज छोड़ना नहीं कोई। चलिए कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा इसका, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये मिड, हमने मिड वैल्यू निकाल ली, सही। अब मिड वैल्यू से 15 है, 4 है, यहाँ पे 25 है, 8 है। चलिए आपको करके दिखाते हैं इस पे। एक भी पेज आप मिस कर देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। सॉरी सर, गलती में हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, डोंट वरी। क्लास की ड्यूरेशन क्या है? बेटा अभी ये खत्म होने वाली, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी बस, ठीक है? यही लास्ट ही क्वेश्चन है शायद ये। जानना था बाहर। आप जाओ लीव कर दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल है ये क्लास आप लोग के लिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे, अब नहीं भी लिखेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे। तो क्लास मार्क थी पहले हमारा 15 आया, देन 25 आया था। 15 पे 4 फ्रीक्वेंसी है, इसी तरीके से इस वाले में 8 फ्रीक्वेंसी है, 30 35, ये 35 पे फ्रीक्वेंसी है हमारी 12। मैं आपको इन तीन से बताने जा रहा हूँ बस, आप एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है, उसमें क्लास मार्क और इस फ्रीक्वेंसी को एक वो बना देंगे। पहले ये एक्स है और ये एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये वाई एक्सिस पे जाएगा फ्रीक्वेंसी, हमेशा मैंने आपको बताया था इससे पहले। तो एक्स एक्सिस पे हमें लेना है 15 0 1, इसको अगर हमने 10 नाम दिया, 10 10 के ब्लॉक अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा ले लें, ये 0 था, ये था 10 20 30, ऐसे हमने ब्लॉक बना ली इस पे एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी वाले पे 2 2 का ब्लॉक बनाया, 2 4 6, इस तरह हमने स्केलिंग कर ली है, ठीक है। 15 हमें शो करना है, तो 15 बट ऑब्वियस हमारा 10 और 20 के बीच का पॉइंट होगा, 15 पे 4 लेना है, 15 पे 4, तो 4 और ये 4 यहाँ और 15 यहाँ, तो ये पहला पॉइंट हमारा आ गया 15,4, सही है बेटा? यस सर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? इसी तरीके से दूसरा पॉइंट 25 और 8 लेना है, 25 यहाँ होगा, इस पे 8 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 35 पे 12, तो 30 और 40 वाले के बीच में 35 आएगा, और 12 लेना तो कहीं और ऊपर चला जाएगा, ये मैं अप्रोक्स यहाँ ले लेता हूँ, ठीक। तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट इसके पहले छूट जाएंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ठीक इसके पहले वाला जो ब्लॉक होगा 10 से पहले वाला, उसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे बस। अच्छा, यहाँ भी एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ भी 2 स्पेस छोड़ेंगे, 2 ब्लॉक छोड़ेंगे, एक ब्लॉक श्रिंकिंग होगा, एक नॉर्मल ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के मिड पॉइंट्स इसको जोड़ेंगे, अटैच करेंगे, ठीक है। यस सर, और कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें अब, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या एक्सेस है देखो। हाँ बेटा, सर, हम एक्स एक्सिस पे 25, 15, 25, 35 ये नहीं लिख सकते, 10, 20, 30 ही लेना है।
आप ले सकते हो, आप वैसे ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो तो हमने ओके आपको सिर्फ स्केल स्केल लेने का आइडिया दिया, आप वैसे कर सकते हो, वो भी सही है। आप कोई भी स्केल ले सकते हो, ठीक है, सही है। यस सर। अब जैसे यही क्वेश्चन होता हमारे सामने, जिसमें हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना होता, जिसका ये बनाया गया चार्ट, ठीक है। तो इसका देखो मिड पॉइंट क्या होता, 25-30 का, इसका अप्रोक्सीमेटली आता 27.5 आता मिड पॉइंट, और 40, 27.5 देखो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना 27.5, इस पे 40 ले लिया गया ये पॉइंट देखो। तो ऐसे पॉइंट ये मिलेगा, पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, देखो कितने पॉइंट हमें मिलेंगे, जितने मैं सर्कल कर रहा हूँ बस इतने ही मिलेंगे आपको ग्राफ से, इस टेबल से, जो ये टेबल दी गई है ऊपर हमारे पास, इस टेबल से केवल हमें इतने पॉइंट जितने सर्किल वाले मिलेंगे। हमने कहा था इससे पहले दो ब्लॉक छोड़ देना, एक जिगजैग वाला लाइन के लिए और एक नॉर्मल ब्लॉक छोड़ देंगे, और इसी तरह इसके आगे वाला ब्लॉक, इसके आगे वाला, इससे पहले छोड़ेंगे तो ये वाला ब्लॉक छोड़ने के लिए कहा था, तो इसका मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह इसके बाद वाला जो एक ब्लॉक ये है, इस ब्लॉक के इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, और सबको ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे, बन जाएगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। यस सर। बेटा अनुषा स्टेटस से तुम्हारा खत्म हो गया, इसमें और कुछ बचा तो नहीं, चेक कर जल्दी से। नहीं सर और